तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार शाम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है। साथियों, एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है।
यहां एयरपोर्ट से बाहर आते ही तेलंगाना की जो हवा में महसूस कर रहा हूं, ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये तपती धूप में आप लोगों का उत्साह उमंग देखता हूं, मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। साथियों, भाजपा ने पिछले 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हमारी माताएं बहने, हमारे अंत्योदय के सारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका उत्कर्ष ये हमारी आस्था है। देश का सम्मान, देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है, स्वाभिमान से जीवन जाने का प्रयास कर सकता है। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया, जनधन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को धुएं से आजादी देने की बात कही, उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों की, उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। साथियों, जब योजनाएं, प्रचार और परिवार के भ्रष्टाचार का
शिकार होने लगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाई बहनों का होता है, हमारे दलित पीड़ित शोषित वंचित का होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है इस सच्चाई को तेलंगाना के हर एक नागरिक तक लेकर जाएं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तेलंगाना का सामर्थ्य क्या है, यहां कितनी संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का 100वां यूनिकॉर्न हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं हमारे युवा नौजवान साथी। और बात जब टेक्नोलॉजी की हो और तेलंगाना और तेलंगाना के युवाओं की क्षमताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, डिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए
और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। मैं आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें पूरी मेहनत करनी है, हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा। तेलंगाना तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त होगा, परिवारवादी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा। और भाइयों बहनों, मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता। मैं तो गुजरात का कार्यकर्ता था, पूरा देश न मुझे जानता था, लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया था। जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाषण सुनने के लिए टिकट रखी गई थी, पैसे देकर के आइए सुनने के लिए, और मैं देख रहा था तेलंगाना के लोगों ने टिकट खर्च करके इतनी प्रेम वर्षा की थी, और उसे वही एक टर्निंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। यही हैदराबाद, यही तेलंगाना, हम नया इतिहास बना करके तेलंगाना में झंडा गाड़ने वाला। साथियों, मैं आपके परिश्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मैं आपके जज्बे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ना आप झुकने वाले हैं ना आप थकने वाले हैं, आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।